क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ के बारे में कई कहानियां हमारे समाज में बिखरी पड़ी हैं। ऐसे में आज हम आपको अश्वमेध यज्ञ की पूरी कहानी बताने वाले हैं। अश्वमेध यज्ञ को कुछ विद्वान एक राजनीतिक और कुछ विद्वान इसे आध्यात्मिक प्रयोग मानते थे। कहा यह भी जाता है कि इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते हों। कालांतर में यह यज्ञ जो नरेश जिस समाज से संबंध रखता था उस समाज की रीति के अनुसार करता था। इसके कारण इस यज्ञ को करने में कई बुरी परंपराएं भी जुड़ गईं। वैदिक रीति से किया गया यज्ञ ही धर्म सम्मत माना गया है। यज्ञ का प्रारंभ बसंत या ग्रीष्म ऋतु में होता था तथा इसके पूर्व प्रारंभिक अनुष्ठानों में प्रायः एक वर्ष का समय लगता था। इस बीच नगर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव मनाए जाते थे। यज्ञ करने के बाद अश्व को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इन अश्वों के पीछे यज्ञकर्ता राजा की सेना होती थी। जब यह अश्व दिग्विजय यात्रा पर जाता था तो स्थानीय लोग इसके पुनरागमन की प्रतीक्षा करते थे। इस अश्व के चुराने या इसे रोकने वाले नरेश से युद्ध होता था। यदि यह अश्व खो जाता तो दूसरे अश्व से यह क्रिया पुनः एक बार आरंभ से की जाती थी। कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ ब्रह्म हत्या आदि पाप क्षय स्वर्ग प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए भी किया जाता था। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ एक आध्यात्मिक यज्ञ है जिसका संबंध गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है। कुछ विद्वानों की माने तो अश्व समाज में बड़े पैमाने पर बुराइयों का प्रतीक है और मेधा सभी बुराइयों और अपनी जड़ों से दोष के उन्मूलन का संकेत है। जहाँ भी अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया गया है उन क्षेत्रों में अपराधों और आक्रामकता की दर में कमी का अनुभव किया गया है। अश्वमेध यज्ञ पारिस्थितिकी संतुलन के लिए और आध्यात्मिक वातावरण की शुद्धि के लिए गायत्री मंत्र से जुड़ा हुआ है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद अश्वमेध प्रायः बंद ही हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। सबसे विश्वसनीय बनने के लिए lalluram.com को गुजरना होता है इन पैनी नजरों से। खबर क्या है ये हम बताते हैं। राजनीतिक दांव पेंच को हम आपको समझाते हैं। जब मधु कोड़ा निर्दलीय होकर सीएम बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सच क्या है वो हम ढूंढ लाते हैं। lalluram.com की नजरें जो केवल सच दिखाती हैं। ये है lalluram.com की टीम जो नहीं देखती रात और दिन। सबसे अनुभवी कलमकार, सबसे विश्वसनीय लोगों के साथ छत्तीसगढ़ की नंबर वन न्यूज वेबसाइट lalluram.com, सच कहेंगे lalluram।